कंधे पर स्कूली बस्ता, आंखों में डर के साये और जान बचाने के लिए किसी भी पल सुरक्षित ठिकाने की ओर इसी तरह दौड़ लगाने की आदत। पाकिस्तान के सीमा से लगे जम्मू के पुंछ के बालाकोट मेंढर इलाके के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यूं तो ये रोजमर्रा की कहानी है, लेकिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने से बौखलाए पाकिस्तान ने इन दिनों इन्हीं नन्ही जानों की जिंदगी आफत कर दी है। शनिवार सुबह की तस्वीरें देख लीजिए। बालाकोट के सांदोते गांव की ये बच्चे स्कूल के लिए निकले ही थे कि पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। ऐसे में धमाकों की आवाज सुनते ही इन्होंने दौड़ लगा दी। हैवी मोर्टार शेलिंग को देखते हुए इन बच्चों को बचाने के लिए इलाके में तैनात जवान तुरंत एक्शन में आ गए। देखिए छोटे बच्चों को कंधे पर उठाकर कैसे ये बुलेट प्रूफ गाड़ी में पहुंचा रहे हैं। शेलिंग अगर थोड़ी बहुत भी मतलब है कहीं से भी स्टार्ट हो जाए तो हमें खतरा पड़ जाता है, क्योंकि हमारे स्कूल के आसपास इर्द गिर्द जो हैं जितने भी हैं ये वो आके तो गिरते हैं, स्प्लेंडर वगैरह बच्चों को लगने का खतरा होता है। तो इसलिए हमने छुट्टी की, बच्चों को सेव घर भेजा और घर भेजने के बाद फिर हम वहां से निकले। पाकिस्तानी गोले किस तरफ गिरेंगे इसके लिए भागते हुए इनकी नज़र पाकिस्तान की ओर के पहाड़ों से उठते धुएं के गुबार की ओर होती है। गोलीबारी के बीच ही इन बख्तरबंद गाड़ियों से इन स्कूली बच्चों को उनके घर पहुंचाया गया। बच्चे जो है LOC के मतलब जीरो पॉइंट से आते हैं, क्योंकि टोटा दड़ा प्रहाली अपर प्रहाली से जो बिल्कुल बॉर्डर के 0 किलोमीटर पर है, तो उस लिहाज से फिर हमें ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए हमें फिर कंसर्न करके छुट्टी करनी पड़ी है बच्चों को। पाकिस्तानी गोलीबारी के दौरान कई बच्चे स्कूल में बने बंकर में छिपे रहे। स्कूलों में कमरेनुमा ये बंकर खास तौर से बनाए गए हैं, जिसमें गोलीबारी के दौरान बच्चों को शिक्षक छिपा देते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान ने किया, हिंदुस्तान पूरी ह्यूमैनिटेरियन लॉज मानता है, जिनेवा कन्वेंशन के तहत बिल्कुल उसने जो कॉपी बुक प्रोसीजर होता है वो किया। पाकिस्तान के लोगों ने झंडा दिखाया, झंडा दिखा के फायरिंग रुकी, उनको आगे बुलाया गया। उन्होंने कहा हमें डेड बॉडीज चाहिए, उन्होंने कहा आप ले जाइए, और उनको डेड बॉडीज ले गए। तो ये जो एक उदाहरण आपने नमूना देखा है वो क्लियरली दर्शाता है कि पाकिस्तान के पास अब कोई चारा नहीं है कि इस चीज़ को छुपाए, दुनिया को ना बताए, अपने लोगों को ना बताए, डेड बॉडीज छोड़ कर चला जाए। अब वो नियम अनुसार उनको काम करना पड़ रहा है, वो बाध्य हो गए हैं। सुबह 10 बजे शुरू हुई ये गोलाबारी शाम 4 बजे तक जारी रही। हैरानी की बात ये कि इसमें खास तौर से रिहायशी इलाकों और स्कूलों को निशाना बनाया गया। सेना के जवानों ने इस दौरान बालाकोट के पुंछ के संदोते गांव के अलावा बहरोटा गांव और बालाकोट के 2 स्कूलों से बच्चों को सुरक्षित निकालकर उनके घरों तक पहुंचाया। पाकिस्तान की ओर से पुंछ, बालाकोट और मेंढर के सीमावर्ती इलाकों की ओर की जा रही भारी गोलीबारी का भारतीय चौकियों से भी माकूल जवाब दिया गया। देखिए पाकिस्तान की ओर से हुई मोर्टार शेलिंग ने कैसे इस गाड़ी पर अपने निशान छोड़े हैं। गोलीबारी के दौरान अक्सर मोर्टार की ये छर्रे कईयों को अपना निशाना बना लेते हैं, जिसमें जान माल का भारी नुकसान होता है। शनिवार की गोलीबारी में पुंछ सेक्टर में कई घरों को नुकसान पहुंचा, कई बकरियां मारी गईं, जबकि 2 गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। पुंछ बालाकोट के अलावा राजौरी जिले के मंजाकोट सेक्टर में भी पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर गोलीबारी की, जिसके चलते मंजाकोट में शनिवार को सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान को इस हरकत का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 सैनिक ढेर कर दिए गए। देखिए उनको मुंह तोड़ जवाब हर एक फ्रंट पे मिल रहा है, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट है, चाहे वो बॉर्डर है, और चाहे वो कश्मीर के अंदर है। थोड़ा उनको शायद सांस लेने को मिल गया है कुछ समय, क्योंकि हम थोड़ा बिजी रहे हालात को ठीक रखने में, ताकि कश्मीर में कोई भी वायलेंस ना हो पाए। लेकिन अब उनकी बारी आ रही है, तो जितने अब बाकी बचे खुचे हैं उनका भी जल्दी हिसाब हो जाएगा। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार पाकिस्तान ने 300 बार से अधिक सीज फायर का उल्लंघन सिर्फ अगस्त महीने के दौरान किया।
जिसमें औसतन दिन में 5 से 6 बार जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।